अब भूलने लगा हूँ उन बातों को जो कभी रुलाया करती थी। ये आखिरी जिक्र है उनका, फिक्र मत करना मेरी, क्योंकि आज जो निकला हूँ लौट कर आऊँगा ना कभी। ये जो छोटा सा शेर है बहुत ही क्रिंजोर्दी सा, ये मैंने अपने ब्रेकअप के बाद लिखा था। एंड व्हाइल आई वाज प्रेपिंग फॉर दिस एपिसोड, मुझे एक पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट मिला विच वॉज माई जर्नल एट दैट टाइम। बाय गॉड, बॉलीवुड की पूरी स्क्रिप्ट लिख रखी थी यार मैंने, बट कहीं ना कहीं झूठ नहीं बोलूंगा, आई वॉज एक्चुअली फीलिंग दैट वे। मतलब जितना भी एग्जैजरेटेड था उतना कहीं ना कहीं सच भी था। एट दिस टाइम आई वॉज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम सेकेंड टू थर्ड ईयर ऑफ माई कॉलेज एंड इट वॉज अ बैड फेज। हे गाइज, दिस इज आयुष वाधवा एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कप नूडल्स टू करियर, वेयर वी हैव कैंडिड डिस्कशंस अबाउट कॉलेज लाइफ। आज के इस एपिसोड में आई विल बी कंटिन्यूइंग माई स्टोरी ऑफ माई ब्रेकअप अबाउट विच आई टॉक्ड अबाउट इन द लास्ट एपिसोड एंड हाउ आई गॉट ओवर इट, वॉट हेल्प मी, वॉट डिड नॉट हेल्प मी एंड ऑल ऑफ दैट। दिस एपिसोड इज ऑल्सो अबाउट हाउ आई डिस्कवर्ड माई लव फॉर म्यूजिक, कल्चर, मूवीज एंड इवन फिल्म मेकिंग ऑल ओवर अगैन। नाउ कॉलेज इज अनडाउटेडली अ वेरी ट्रिकी प्लेस। एक सेकेंड के लिए तुम्हें लगेगा कि यू हैव इट ऑल फिगर्ड आउट, सब सही जा रहा है, दोस्ती भी सही जा रही है, चीज़ें भी सही जा रही हैं, काम भी सही जा रहा है, एंड देन सडनली इट विल ऑल कम क्रैशिंग डाउन। और बाय द वे ये प्रोसेस हर हफ्ते रिपीट होता है। इतना वियर्ड है कि कुछ कुछ दिन ऐसे होते थे मेरे कॉलेज लाइफ में कि दोपहर को क्लास वगैरह लगाई, सब खत्म हुआ, टेस्ट वेस्ट भी अच्छे हो गए, शाम को रेडी हुए मैगी भी खा ली दोस्तों के साथ, और फिर रात को कोई तो कुछ ऐसा कांड हो जाता था कि फिर पूरी रात हॉस्टल रूम में बैठ के जागो और उसको ठीक करो, और फिर अगले दिन सुबह ऐसे उठो कि साला जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। आई हैव सीन सच कॉन्ट्रास्ट कि इधर साला इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है, बट नहीं भाई, दोस्त का बर्थडे है तो बाहर तो जाना पड़ेगा ही, या फिर फेस्ट आने वाला है सो यू हैव टू रेज मनी फॉर द फेस्ट। बट गेस व्हाट, इस हफ्ते चार टेस्ट भी देने हैं और क्योंकि CGPA नहीं आया तो जॉब कौन देगा। कॉलेज डजंट रियली गिव यू द टाइम टू प्रोसेस नेगेटिविटी और एनी इमोशन प्रॉपरली फॉर दैट मैटर इफ यू आर फुली इंडल्ज्ड इन इट। नाउ यहाँ मैं थोड़ा सा मार खा गया। आई हैड डिसाइडेड इवन बिफोर माई रिलेशनशिप कि मूविंग फ्रॉम सेकेंड ईयर टू थर्ड ईयर मैं सब क्लब्स और सोसाइटीज छोड़ दूंगा, अपने फेस्ट का डिपार्टमेंट भी छोड़ दूंगा, एंड आई विल ओनली फोकस ऑन फिल्म मेकिंग, द फिल्म मेकिंग क्लब एंड मेंटेनिंग अ डिसेंट इनफ CGPA। बट इस ट्रांजिशन में मैं कहीं ना कहीं भूल गया था कि प्लान्स होते ही फेल होने के लिए। आई फॉरगॉट टू इंक्लूड दैट माई रिलेशनशिप वुड फॉल डाउन, आई फॉरगॉट टू इंक्लूड दैट द इंटर्नशिप दैट आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू विल कम ऑल क्रैशिंग डाउन। यहाँ से हमारे कॉलेज लाइफ की जो खिचड़ी है ना वो शुरू हो गई। अगर तुम नए हो टू लाइफ और रादर कॉलेज लाइफ, तो मान के चलना कि जो भी तुमने प्लान करा है वो तो फेल होने ही वाला है, और नहीं फेल हुआ तो कहीं ना कहीं तुमने अपने आप को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर लिया। नाउ आफ्टर लीविंग ऑल दीज क्लब्स एक्सेप्ट वन विच वॉज द फिल्म मेकिंग क्लब, आई डिड नॉट हैव एनी एक्स्ट्रा करिकुलर डेडलाइन एंड बिकॉज आई हैड रिड्यूस्ड फोकस ऑन माई अकेडमिक्स एज वेल, हेंस आई डिडंट रियली हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम दैट साइड ईदर। नाउ आई डोंट वर्क दैट वेल व्हेन आई डोंट हैव एनी प्रेशर, ये बात ना मुझे थोड़ा उस टाइम पे पता नहीं थी, बट कहीं ना कहीं व्हेन आई डिड नॉट हैव एनी डेडलाइंस मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ये सोचने में जाने लग गया कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। आई वॉज थिंकिंग अबाउट माई पास्ट अलॉट, आई वॉज थिंकिंग अबाउट माई फ्यूचर अलॉट, आई वॉज वरिंग अबाउट अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स एंड आई वॉज कीपिंग मोस्ट ऑफ इट टू माई सेल्फ। एवरीबडी अराउंड मी वॉज बिजी विद द डेडलाइंस दैट माई कॉलेज हैड टू ऑफर एंड आई वॉज बिजी ओवर थिंकिंग एंड समटाइम्स वर्किंग। Although I always used to tell everybody that I'm very busy, all I was doing was avoiding them because everything that happened in the first 2 years of college was reminding me of her. I really wanted an outside connection. Something or somebody who doesn't know me, who has no idea what I've been through or what I'm going through. Now my college is in Pilani and Delhi is like 5 hours away from the nearest train station, Roharu. And I love traveling. Even if it's in one of the most uncomfortable sleepers of our Indian railways, our Loharu Jodhpur Express, I made it a point to go out as much as I could. One of my seniors was super kind and he helped me make this new friend in Delhi. So almost every weekend, sometimes with the people I knew and sometimes alone, I used to go to Delhi no matter what. You know, there were times when I just went, I did not plan to meet anybody in Delhi.
बट ऑन माई वे आई यूज टू मैसेज लाइक ऑल द 10 पीपल दैट आई न्यू इन दिल्ली एंड वन आउट ऑफ दोज 10 फ्रेंड्स यूज टू रिप्लाई एंड दैट्स हाउ आई गॉट थ्रू. एवरी रेजिडेंट कॉलेज स्टूडेंट कैन रिलेट टू दिस दैट देयर कम्स अ सैचुरेशन पॉइंट आफ्टर अ कपल ऑफ इयर्स इन टू कॉलेज वेयर दे नो एवरीबडी एंड एवरीबडी नोज देम. मतलब फ्रेंड्स फ्रेंड्स की तरह नहीं बट इन अ वे यू आर फेमिलियर विद देयर फेसेस एंड ऑल द गॉसिप. दिस इज वॉट वॉज किलिंग मी. आई वॉज फीलिंग सफोकेटेड विद बींग अराउंड पीपल हु न्यू वॉट हैज हैपन टू मी. इट फेल्ट एज इफ द होल कॉलेज वॉज लाफिंग एट मी एज इफ एवरीबडी इज कंस्पायरिंग अगेंस्ट मी थिंकिंग हाउ स्ट्यूपिड वन कुड बी. द रियालिटी ऑल्दो वॉज वेरी ट्विस्टेड. नोबडी गेव अ फ्लाइंग एफ. मतलब किसी को घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा था यार. बट ये बात उस थर्ड ईयर वाले आयुष को नहीं पता थी. ऑल आई नीडेड टू डू वॉज टू गेट कम्फर्टेबल विद माई ओन सेल्फ बट दैट सिचुएशन वॉजंट अलाउइंग मी टू. ऑल आई नीडेड वॉज माई सेल्फ कॉन्फिडेंस बैक एंड द पीपल अराउंड मी वरंट रियली हेल्पिंग मी. इवन दो इट वॉजंट देयर फॉल्ट एट ऑल आई जस्ट नीडेड अ न्यू स्टार्ट. सो समवेयर इन दो स्ट्रेंज जर्नीज आई फाउंड होम. I felt so comfortable computing and mostly staying alone. It was like really weird. It was at that time when I started exploring this deep connection that I've always felt with music. Second year mein I made this friend Sagar who happens to be a musician. By the way, uska gana is podcast Ken mein featured hai, toh pura podcast sunna. To usne mujhe bola ki yaar ek baar na lyrics pe focus kar rather than the music. It must be around 3 years ago when he introduced me to artists like John Mayer, Pratik Kuhad, Ankur Tiwari, and a bunch of these gems. Bas fir uske baad to I was on my own quest. Un sare ke sare Delhi trips mein, I used to look forward to the train journey the most because that is the time when I got the most amount of me time away from all the people who know me. Us raaste mein, I either used to watch a movie or listen to the new songs that I'd just discovered. I had found a new friend. I had found a friend in art, in music, in cinema. It was that day and since then, I have never felt alone. Like I do feel lonely at times, but then I plug in my earphones, play my favorite songs and it just all goes away in a second. Jo 5 ghante ka rasta hota tha, usme I only used to think about art. It was either filmmaking, it was either music or movies. I became friends with a lot of people from my own college जिनको मैं कभी जानता ही नहीं था क्योंकि college से train station का जो आधे घंटे का रास्ता है वहाँ cab sharing के लिए कोई ना कोई bitsin तो I used to find. तो ऐसे करके मुझे बहुत से नए दोस्त भी मिले. तुम्हें पता है मेरे लिए turning point क्या था? कि जब मुझे बिल्कुल certainly पता चल गया था कि अभी I'm on the right path. आनंद भास्कर एक musician है, उनका एक गाना है जिसका नाम है फासले. ये कुछ सितंबर 2018 की बात है व्हेन आई डिस्कवर्ड द सॉन्ग एंड आई कम्प्लीटली फेल इन लव विद इट. कुछ 4 बजे रात को मैं दिल्ली से वापस कैंपस पहुंचा एंड विदाउट इवन थिंकिंग दैट इट्स 4 AM आई कॉल्ड अप सागर एंड ही पिक्ड अप. नाउ वी हैव दिस वेरी स्पेशल स्पॉट ऑन कैंपस. देयर इज अ सेट ऑफ स्टेयर्स व्हिच इज राइट आउटसाइड आवर ऑडिटोरियम. तो वहाँ पे ना आवाज़ बहुत ही प्यारे तरीके से गूंजती है. तो वंस वी गॉट टू नो अबाउट दिस इट्स सॉर्ट ऑफ बिकेम अ सीक्रेट प्लेस. हम रात को एकदम 2-3 लोग पूरा स्नैक्स वगैरह लेके पहुंच जाते थे. तो उस दिन रात को सागर वहीं पर जाम कर रहा था. आई रैन विद माई लगेज टू दैट स्पॉट एंड मेड हिम लिसन टू फास्टले वाइल आई डांस टू इट. लाइक आई वॉज लिटरली डांसिंग टू वन ऑफ द स्लोएस्ट सॉन्ग्स दैट आई हैव ऑन माई फोन. आई डेंट रियलाइज इट राइट अवे बट आई हैड नॉट बीन दैट हैप्पी फॉर मंथ्स. आफ्टर अ कपल ऑफ आवर्स सागर पॉइंटेड आउट दैट आई लुक हैप्पियर देन यूजुअल. इट वॉज I don't know, at that moment where I consciously knew that I'm finally over the whole situation. That sudden realization was extremely beautiful. When people ask me ki what really helped me move on, I think a culmination of new friends, a commute to keep me busy, my resurrected love for appreciating art, and just finding and discovering new things pulled me out of my dark phase. Now I know that I wasn't facing any mental health struggles as such. I wasn't diagnosed with anything. Neither did I approach any professional help. मैं कभी नहीं बोल रहा कि ये किसी भी चीज़ को solve करने के short methods हैं. I'm just sharing my story on how I was able to get back on my feet from a hit which doesn't seem like a lot in the real world, but for a college kid,
इट कैन रियली टेक अ टोल ऑन हिज और हर मेंटल हेल्थ। पता है उसके बाद ना आई जस्ट मेड श्योर कि अपने आप को ना बस कुछ भी करके बिजी रखना है। वो कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स आई हैव ऑलवेज बीन बिजी इन लाइफ विद दिस ऑब्वियस एक्सेप्शन ऑफ दिस ऑल टाइम अवेलेबल रूल दैट आई हैव फॉर सम वेरी क्लोज फ्रेंड्स एंड माई फैमिली। यार ये थी मेरी जर्नी और अब शायद आप समझ पाओगे कि why do I have a song at the end of every episode? It's just an expression of my love for music and my bit to supporting indie artists. I had finally regained confidence and love for myself. But अभी बस एक चीज़ बाकी थी। I was yet to gain trust in friendship again. College का वो semester तो मैंने pass कर लिया था। And by the end of that year, by the end of 2018, I got this project from Wonderon, which would become the best trip of my life. They asked me if I could shoot a video for them almost 11 days in Himachal. That trip was the climax of my story. I had gone there to shoot a travel video for them and at the very last moment, my best friend from school got on board. Within the first 4-5 hours of our bus journey, we got close to so many people that suddenly us bus journey mein pura group form ho gaya tha. And by the time we reached our first destination, खुद से ही एक 10 लोगों का ग्रुप बन गया। कुछ मुंबई से, कुछ इंदौर से, बैंगलोर से, एटसेट्रा। नो कॉमन थ्रेड बट स्टिल वी वर बॉन्डिंग लाइक क्रेजी। दैट ट्रिप फाइनली मेड मी रियलाइज द वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप्स ऑल ओवर अगेन। दैट ट्रिप मेड मी लव एंड ट्रस्ट पीपल अगेन। इट रेजरेक्टेड माई लव फॉर फ्रेंडशिप्स दैट आई हैव ऑलवेज हैड। प्रियका के बाद सबसे पहला थॉट यही आता है कि यार लड़के तो होते ही ख़राब हैं, लड़कियां तो होती ही ख़राब हैं, कभी किसी से क्लोज आना ही नहीं चाहिए, कभी रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहिए। बट आई डोंट फील दैट दिस इज़ द राइट फिलॉसफी टू गो फॉरवर्ड विद इन लाइफ। तो कहीं ना कहीं यू विल हैव टू रेजरेक्ट योर लव फॉर पीपल एंड फॉर फ्रेंडशिप्स। बट हाँ, उस विंटर वेकेशंस के बाद आई केम होम टू कॉलेज फीलिंग लाइक अ न्यू इंडिविजुअल। आई हैड ग्रोन, आई वॉज वे मोर मैच्योर, बट मोस्ट ऑफ ऑल I was happy. I had gone back to my happy self. और जब तुम खुद खुश होते हो ना तो सब कुछ ठीक हो जाता है। My friendships got better, my grades got better, and even my work got better. And yeah, this was my little story on how I got over my breakup. चलो ये अब segment खत्म करते हैं और now it's time to move on to the song of the week, song of the podcast. It is प्यार है acoustic version by Sagar Verma, who is a very, very close friend of mine. Hey guys, my name is Sagar and I'm a singer-songwriter. I know that you can't see me right now, but just imagine a really, really young boy with a really, really excited face. And this person is excited, obviously, for his first ever podcast experience. Thanks to Ayush, who happens to be my college friend, and we've worked on numerous music videos together. So the song that you're about to hear is an original song, and this one's called Pyar Hai. Pyar Hai is all about everything a human being experiences when they fall in love for the very first time. I hope that the song will speak to you and that you guys will like this. Vaada karo ये वादे निभाओगी, वादा करो मुझसे नजरें मिलाओगी, दो लफ्जों की कहानी मेरी तो क्या, सुन लो जरा जुबानी मेरी। प्यार है, प्यार है मुझे भी, प्यार है, प्यार है तुमसे ही, प्यार है, प्यार है मुझे तो, प्यार है, प्यार है। वादा किया ये वादे निभाऊंगी, मैं इस तरह तेरी बाहों तुम
मुझको है तुमसे ये गहरा Hey, it's Sagar again. Thank you so much for listening to this song and I really hope that you liked it. If you did, then please be sure to check out my social handles. You can find me at Sagar Verma Music and Pyar Hai is actually my fourth single out. You can find all of my songs on all music platforms. Just search for Sagar Verma across your favorite music platform and you'll be able to listen to my songs. Thank you so much for lending your ears to me. And thank you so much, Ayush, for bringing me on the show. Hope to see you guys soon on another one of Ayush's podcast episodes. And until then, I'm Sagar Verma, and you just heard Pyar Hai on none other than Cup Noodles to Career.